स्वागत है आपका सिराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान। सबसे पहले खबर नारायणपुर से, जहां पर फायरिंग में 7 जवानों की मौत हो गई है। एक जवान पर ही अपने साथियों पर गोली चलाने का आरोप है। आपको बता दें, गोली चलाने में आरोपी जवान के साथ 6 जवानों की मौत हो गई है। बीच बचाव करने आए 3 और भी जवान घायल हुए हैं। बस्तर आईजी ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर भेज दिया गया है। करेनार कैंप में आईटीबीपी के जवानों के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई है। आपको बता दें, बीच में बीच बचाव करने पहुंचे जवान, उन्हें भी घायल कर दिया गया, जिन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। कि इस बात को लेकर विवाद हुआ, ये वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। मौके पर अधिकारी बड़े मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर क्या वजह रही जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इतने सारे जवान जो है जवानों की मौत हो गई। सदर्न पार्ट में स्थित है, अंदरूनी नक्सल क्षेत्र है। आईटीबीपी कंपनी तैनात 9 बजे के करीब एक आईटीबीपी के जवान ने अपने सर्विस राइफल से अपने साथियों पर गोली चलाई, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई और 2 जवान घायल हैं। घटना की वजह अभी इसलिए नहीं पता, अंदरूनी क्षेत्र का कैंप है जहां पे अभी कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है। अधिकारी जाएंगे वहां पर और उनसे जब बात होगी तो पता चल पाएगा। हमारे किसी आदेश के विरोध में जाके आपस में तो कोई टकराव का प्रश्न ही नहीं होता और न ही कोई ऐसा आदेश सरकार देती है। उनका काम है मोमेंट में जो लड़ाई लड़ना, उसको वो बखूबी करते हैं। जितने साधन सुविधा सरकार को देनी चाहिए या उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो हम पूरा करते हैं। तो सरकार के किसी कारण से ऐसा घटना नहीं है। पता चलेगा कि आपस में क्या विवाद हुआ, किस कारण से ये घटना हुआ, वो पता चल जाएगा। कुछ देर में विस्तृत जानकारी आ जाए। बेहद दुखद घटना है। आईटीबीपी के जवान ने आईटीबीपी के ही जवानों को गोलियों से छलनी कर दिया और ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। और इस प्रकार की घटना कैसे घटी, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मृतक परिवार है उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ये बेहद दुखद घटना है। तो आपको बता दें, नारायणपुर से आपको लगातार खबर बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग में 6 जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें, वहां पर विवाद हो गया था जवानों के बीच, क्या इसके पीछे वजह रही फिलहाल वो तो अभी सामने नहीं आ पाई है। और विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने और एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, इसमें 6 जो जवान हैं उनकी मौत हो गई है और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। मौके पर एसपी अधिकारी सब मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही जो फायरिंग की गई, एक दूसरे पर फायरिंग की गई और जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो आपको बता दें, आरोपी जवान सहित 6 लोगों की जो है मौत हो गई है इस फायरिंग के बीच, इस विवाद के बीच। विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और जिस जवान ने फायरिंग शुरू की उसने एक के बाद एक गोलियां दाग दी, जिसके बाद दूसरे जवानों ने भी उस जवान पर गोली दागी और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। लगातार कोशिश जो है की जा रही है कारणों का पता करने की और
टीम भी पूरी संपर्क करने की कोशिश कर रही है वहां पर, और भी जो है जवान वहां पर मौजूद हैं उनसे भी पूछा जा रहा है आखिर क्या वजह है जो इस वारदात को अंजाम दिया गया और जवानों ने आपस में ही एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। नारायणपुर से लगातार आपको खबर बता रहे हैं और सारे अपडेट्स जो है स्वराज एक्सप्रेस आपको लगातार देता आ रहा है और वही लगातार पूछा जा रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आखिर क्या वजह रही, पर अभी कुछ भी अधिकारी एसपी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। वहां पर जो जवान तैनात हैं वो भी अभी कहने से बचते हैं, उनका भी यही कहना है लगातार कि जो बड़े अधिकारी आएंगे वो बताएंगे क्या कुछ है मामला, अब आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं वहां के जवान भी ये अभी नहीं समझ आ रहा है। फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या था मामला। बता दें आरोपी सहित 6 जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें विवाद हुआ था उन लोगों के बीच में और विवाद के बाद इन लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया और लगातार कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे कि विवाद इतना बढ़ गया जो इन लोगों को फायरिंग करनी पड़ी। जो बंदूक औजार इन्हें दिए जाते हैं रक्षा के लिए वो इन्होंने एक दूसरे पर ही उपयोग किए और एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। तो आपको खबर बता दें नारायणपुर से जहां पर जवान पर अपने ही साथी ने जो है हमला कर दिया, किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और विवाद लगातार इतना बढ़ता गया, इतना गर्माता गया कि उसने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के एवज में दूसरे जवानों ने भी उस पर फायरिंग शुरू कर दी जिससे 6 जवानों की मौत हो गई है। लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं आखिर क्या विवाद हुआ, आखिर क्या बात रही जो इतनी बढ़ गई, जो इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जो सुरक्षा के लिए औजार इन्हें दिए जाते हैं, गन मुहैया कराई जाती है कि सुरक्षा कर सकें। बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि जब ये आपस में ही इतना लड़ रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं तो आम जनता की रक्षा ये कैसे करेंगे। गृह मंत्री से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनसे भी बात की, उनका भी यही कहना था कि फिलहाल कोशिश की जा रही है जानने की आखिर क्या वजह रही और बड़े अधिकारी भी अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं लगातार और कुछ भी कहने से बच रहे हैं और कह रहे हैं अभी जांच की जा रही है, अभी कुछ सामने नहीं आ पाया है, जैसे ही सामने आएगा बताएंगे। वहां पर जो जवान तैनात थे साथ में उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है और बाकी जो वहां पर जवान हैं उनसे भी लगातार पूछने की जो है कोशिश की जा रही है पर अभी तक कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया है। तो बता दें आपको छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज सुबह की बात है आईटीबीपी कैंप पे जवान रहमान जो है साथी पर फायरिंग कर दी और 6 जवानों की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष अभी तक के क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, कुछ पता चल पाया आखिर क्या वजह रही जो विवाद इतना बढ़ गया? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है तो आपको लगातार खबर बता रहे हैं जहां पर 6 जवानों की मौत हो गई है, 2 जख्मी हुए हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर भेज दिया गया है, उनका फिलहाल जो है इलाज जारी है। और आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष क्या कुछ अपडेट्स अभी मिल पा रहे हैं? आशुतोष सुन पा रहे हैं आप?
अच्छा, तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क जो है आशुतोष से नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें 6 जवानों की मौत हो गई है इस लड़ाई में। आखिर क्या विवाद रहा, क्या वजह रही इस विवाद की, फिलहाल वो तो नहीं पता चल पाई है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जानने की। बड़े अधिकारी भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें ITBP का ये कैंप था जिसमें ये विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक इन जवानों ने कर डाली, जिस दौरान 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बता दें 1 ही मौत इलाज के दौरान हो गई। और फिलहाल अभी 2 लोग घायल हैं जो बीएच बचाव के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रायपुर रेफर किया गया। फिलहाल वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। कारणों का पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपको बता दें तो बस्तर IG का भी यही कहना था कि आपसी विवाद हो सकता है जिस वजह से ये हुआ हो, जांच के बाद ही कारण सामने आ पाएंगे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है। राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि जवानों में तनाव जैसी कोई बात नहीं है, उन्हें समय पर छुट्टी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अभी तक यही लग रहा है कि जवानों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा जिस वजह से ये फायरिंग हुई है। प्रश्न ही नहीं होता और न ही कोई सुबह 9 बजे के करीब एक ITBP के जवान ने अपने सर्विस राइफल से अपने साथियों पर गोली चलाई, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई और 2 जवान घायल हैं। घटना की वजह अभी इसलिए नहीं पता, आंदोलन क्षेत्र का कैंप है जहाँ पे अभी कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है। अधिकारी जाएंगे वहाँ पर और उनसे जब बात होगी। हमारे किसी आदेश के विरोध में जाके आपस में तो कोई टकराव का प्रश्न ही नहीं होता, और न ही कोई ऐसा आदेश सरकार देती है। उनका काम है मोमेंट में जो लड़ाई लड़ना, उसको वो बखूबी करते हैं। जितने साधन सुविधा सरकार को देनी चाहिए या उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो हम पूरा करते हैं। तो सरकार के किसी कारण से ऐसा घटना नहीं है। पता चलेगा कि आपस में क्या विवाद हुआ, किस कारण से ये घटना हुआ, वो पता चल जाएगा कुछ देर। बेहद दुखद घटना है। ITBP के जवान ने ITBP के ही जवानों को गोलियों से छलनी कर दिया, और ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। और इस प्रकार की घटना कैसे घटी, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मृतक परिवार है उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये बेहद दुखद घटना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ पूरी जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, क्या वजह सामने आ पाई, और जो घायल हुए हैं उनकी हालत अभी क्या बनी हुई है? देखिए, ऐसा है कि अब तक उन्हें जो जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, आपसी में विवाद हो चुका था और एक जवान ने अपने साथियों के बीच अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, ऐसा कारण अभी तक तो कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा है कि नारायणपुर जिला जो है प्रदेश का नक्सलग्रस्त एरिया है और बहुत ही अंदरूनी इलाका है। जिन्हें जो जवान थे वहां के, वो 45 बटालियन के जवान थे किडनार इलाके के, तो उनके बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक जवान ने अपने ही बंदूक AK-47 राइफल से अपने साथियों के बीच अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान 5 जवानों की मौके पर मौत हो गई और 3 जवान पूरी तरह घायल हो चुके थे। घायल जवानों को रायपुर लेकर के आया गया। रायपुर लाने के बाद उन्हें श्री नारायणा हॉस्पिटल सेवन नगर पर उन्हें उनके बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर पे लाया गया है। और ऐसी कोई स्थिति अब तक है कि 2 जवान जो है वो बुरी तरह घायल हो चुके थे, 1 जवान जो है उनकी स्थिति अभी फिर भी नियंत्रण पर हो गई है, और 1 जवान के जो पेट पर गोली लगी थी उन्हें सिटी स्कैन के लिए अंदर ऑपरेशन थिएटर ले जा चुके हैं, और डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि स्थिति थोड़ी गंभीर है लेकिन उन पर इलाज जारी है, इलाज के बाद ही उन पर कुछ कह पाएंगे। देखिए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें कमरे पर बंद कर दिया जाता है,
बटालियन का एक कैंप है जहां पर ना कुछ उनके परिवार वालों से उनकी बात हो पाती है और ना ही उनसे फोन दिया जाता है। इतनी बुरी स्थिति होती है, पुरानी रंजिश हो सकती है, कुछ छुट्टियों को लेकर के भी विवाद, ऐसी कोई जानकारी आ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रशासन बनाए रखी है कि क्या वजह रही जो इतना विवाद बढ़ गया, फायरिंग हुई है। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।